दोस्तों नमस्कार। आपको बड़े अच्छे से याद होगा कि मार्च में किस तरह देश के लाखों छात्रों ने जो एसएससी के माध्यम से अपना भविष्य देखते हैं, इन सब ने एसएससी में की परीक्षाओं में हुए स्कैम के खिलाफ ज़बरदस्त देशव्यापी आंदोलन किया था। देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए थे और उसके बाद 31 मार्च को संसद मार्ग पर युवा हल्ला बोल हुआ था और सरकार ने छात्रों के दबाव में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की घोषणा तो कर दी थी लेकिन उसको टाइम बाउंड नहीं बनाया था और फिर सारा मामला चल रहा था। उसको लेकर फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए जहां पे प्रशांत भूषण ने हमारे मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा, मजबूती से रखा। और जो पिछली हियरिंग हुई थी, एक हियरिंग आज हुई है, पिछली हियरिंग जो हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया, ये एक्नॉलेज कर लिया कि एसएससी की जो परीक्षाएं हैं, खासकर की जो सीजीएल की परीक्षा है और जो सीएचएसएल की परीक्षा है, वैसे तो हमें पता है कि सीपीओ में भी क्या गड़बड़ी हुई थी, एमटीएस में भी क्या गड़बड़ी हुई थी, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में भी क्या गड़बड़ी, कई लगभग सभी परीक्षाओं में एक तरह की स्थिति है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्नॉलेज कर लिया कि जो आंदोलन के दौरान जो हमारा आरोप था सरकार के ऊपर, एसएससी के ऊपर और एसएससी परीक्षा की कार्यप्रणाली पर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वाजिब माना, सही माना उस आरोप को और कहा कि एसएससी का पूरा सिस्टम और एग्जाम्स जो है वो टेंटेड है। अब सुनिए आज की बात। आज क्या हुआ है कि आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा है कि क्यों ना एसएससी की सीजीएल की जो परीक्षा है और जो सीएचएसएल की भी जिसमें गड़बड़ी है, क्यों ना उसको कैंसिल कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। रिजल्ट्स पे स्टे तो पहले ही लगाया जा चुका है जब तक कि जांच पूरी नहीं होती और जांच जल्दी से जल्दी पूरी करने के लिए हम लगातार डिमांड कर रहे हैं सरकार से, सीबीआई से, कि इस जांच को जल्दी से जल्दी पूरी करें। लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है, हजारों स्टूडेंट्स हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है उसमें और उसके बाद वो बेचारे बैठे आँख लगाए देख रहे हैं कि क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये सरकार न ही एसएससी की परीक्षा करवा पाई फेयर ढंग से, एक ईमानदार ढंग से न ही एसएससी की परीक्षा करवा पाई और न ही सीबीआई की जांच को समयबद्ध तरीके से करवा पाई जिससे कि दोषियों को सजा मिल सके। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है कि इस परीक्षा को रद्द क्यों ना कर दिया जाए, वो इसी बेसिस पे किया गया है कि सरकार उन दोषियों को जो कल्प्रिट्स हैं और जो बेनिफिशरीज हैं इस पूरे स्कैम के, सिर्फ उनको पकड़ नहीं पा रही है या पाएगी। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि शायद अब एग्जाम को ही कैंसिल करना पड़ेगा। हमारी तो डिमांड थी कि कुछ चंद लोगों के कारण जो नेक्सस चलाते हैं, इसके कारण हजारों स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो, लेकिन सरकार है, सीबीआई है, उनकी जांच पता नहीं मार्च के महीने से चली जा रही है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। सीबीआई के अंदर क्या क्या हुआ है वो हम सबने देखा है पिछले कुछ दिनों में। एसएससी के स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच हो एसएससी स्कैम में और सीबीआई तो खुद सीबीआई की जांच करने में लगी हुई है और अब तो सीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन को ही बर्बाद कर दिया गया है। तो ऐसे में बहुत उम्मीद बहुत कम है सरकार से और आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से हमें समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट को भी उम्मीद बिल्कुल कम है इस सरकार से। तो ये जो युवा विरोधी सरकार है, ये सरकार जो इतने बड़े बड़े वादे करके आई 2 करोड़ जॉब्स देंगे, लेकिन जो लिमिटेड जॉब्स जितना थोड़ा बहुत वो दे रही है उसको भी फेयर ढंग से जो नहीं करा पा रही है, तो उनसे कुछ भी उम्मीद करना बिल्कुल बिल्कुल ही नाजायज़ है। तो आज के कोर्ट की टिप्पणी के बाद जो सरकारी वकील थे, जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने कोर्ट से थोड़ा समय मांगा सुझाव लेने के लिए सरकार से और कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगली हियरिंग 13 नवंबर को हम करते हैं, तब तक देखा जाए कि क्या होता है। तो बहुत संभावना है, काफ़ी संभावना है कि 13 नवंबर को जब अगली हियरिंग होगी तो सीजीएल की जो टीयर 2 की परीक्षा है, जो जग जाहिर है कि उसमें पेपर लीक हुआ, उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई, उसमें एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा था, उसमें रिमोट एक्सेस, उसमें स्क्रीन शेयरिंग हो रही थी रिमोट एक्सेस से, उसमें सिफी के भी कर्मचारी इन्वॉल्व थे, उसमें एसएससी के भी कर्मचारी इन्वॉल्व थे और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि टॉप में कहीं जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनकी भी शायद थी, तभी ये हो रहा था। तो ये सब तो अब जग जाहिर हो चुका है। तो इस परिस्थिति में 13 नवंबर की अगली तारीख दी गई है। बहुत संभावना है कि 13 नवंबर को इस करप्ट एग्जामिनेशन को संभावित है कि कैंसिल कर दिया जाएगा। संभावना है कि जो सीएचएसएल की परीक्षा है, क्योंकि सीएचएसएल के रिजल्ट पे भी स्टे लगा हुआ है अभी इस वक्त, तो अगर सीजीएल के एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाता है तो बहुत संभावना है कि सीएचएसएल के भी एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए, कैंसिल करने भर से समाधान नहीं होगा,
अभी सीजीएल 2018 का विज्ञापन आया हुआ है और हमें पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, और इस हम पिछले एग्जाम को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। तो अगर कैंसिल करके दोबारा एग्जाम होता है तो वो किस प्रणाली से होगा, वो कैसे इंश्योर होगा कि ये सब दोबारा रिपीट ना हो, वो कैसे इंश्योर होगा कि जो जो ईमानदार स्टूडेंट्स हैं, जो मेहनती हैं, जो मेरिट के आधार पर अपना चयन चाहते हैं, उनके साथ किसी तरह की बेईमानी नहीं होगी, उनके साथ किसी तरह का छल नहीं होगा, पैसे या पैरवी से कहीं और कोई सेटिंग करा के नौकरी पा जा रहा है, ऐसे नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना पड़ेगा, सरकार से तो हम लगातार मांग करते रहे लेकिन सरकार से उम्मीद खत्म हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारा प्ली है, ये डिमांड है कि अब आगे जो सिस्टम होगा वो कैसे फेयर रहे, उसके प्रति कैसे हम सब का, छात्रों का, स्टूडेंट्स का और हम सब का विश्वास फिर से वापस जगे और इस एग्जाम सिस्टम में भरोसा रह पाएगा, तभी तो पूरे सिस्टम में विश्वास रह पाएगा हमारा। तो एक तो ये मांगे, देखते हैं 13 तारीख को क्या होता है। दूसरी बात, जो कोर्ट में जो मामला चल रहा है इसके अलावा, देखिए ये अभी एसएससी की बात हो रही थी, लेकिन आप भी इस बात से अग्री करेंगे, मुझे लगता नहीं है कि आपका इस बात से विरोध होगा, कि ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ एसएससी में हो रहा है। रोज़ हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, कभी रेलवे की एग्जामिनेशन में ये होता है, कभी कहीं पुलिस भर्ती में ये होता है, यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट के लिए डिमांड कर रहे हैं, जो सीसैट अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जिनका वाजिब डिमांड है और जिसपे कई सांसदों ने चिट्ठियां लिख दी हैं, वो मंत्रियों से मिल चुके हैं, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। तो सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हों या स्टेट सर्विस कमीशन हों या तरह तरह की, आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी में किस तरह हुआ, लगातार दो एग्जाम हुए, दोनों का पेपर लीक हो गया, हमने काफ़ी शोर किया तो फिर एक एग्जाम को तो पहले ही पोस्टपोन कर दिया गया, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम, उसके बाद दूसरा है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभी भी मामला चल रहा है, बिहार में कांस्टेबल भर्ती का आप जानते हैं क्या स्थिति है, मतलब इसको गिनाया नहीं जा सकता, हर जगह लगभग यह स्थिति है, सिर्फ एसएससी की यह कहानी नहीं है। और अब समय है कि हम सबको, जितने भी यूथ हैं जिनको अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, अपना भविष्य सुनिश्चित करना है, उन सबको एकजुट होकर अपनी मांग को उठाना पड़ेगा। या आप अलग थलग होकर लड़ेंगे तो सरकार आपको अलग थलग करके रखेगी और किसी की बात नहीं मानी जाएगी, अब एक होकर लड़ना पड़ेगा। और जो सेंट्रल डिमांड है वो है कि हमें जॉब चाहिए और फेयर सिस्टम से चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें ही दे दो सबसे पहले, हम कह रहे हैं कि आपका सिस्टम फेयर होना चाहिए, हमें अवसर तो दीजिए, मौका तो दीजिए खुद को साबित करने का। तो इसका लेकर हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। और अगले 2 नवंबर को इस, क्योंकि आपसे बात हो रही है अभी, तो अभी मेरे ध्यान में आ रहा है कि मैं आपसे शेयर भी कर लूँ, आपको युवा हल्ला बोल के चैनल से और जो युवा हल्ला बोल से जुड़े हुए जो अलग अलग शहरों में जो लोग हैं उनके माध्यम से भी पता चल रहा होगा कि 2 नवंबर को हमारे दोस्त देश भर के कई शहरों में युवा पंचायत का आयोजन कर रहे हैं। तो आप पता करें कि आपके शहर में कहाँ आयोजन हो रहा है, कौन कर रहा है, अगर आपके शहर में नहीं हो रहा है तो आप उस जिम्मेदारी को उठा सकते हैं, कोशिश करिए कि उस पंचायत का आयोजन करें, युवा पंचायत का, और जिसमें बैठ के ये चर्चा हो कि क्या है जो असल समस्याएं हैं, क्या है जो असल मांग है। और मैं सिर्फ एक परीक्षा की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप चाहे वो, क्योंकि देखिए मैं जब एग्ज़ाम देता हूं तो मैं तो सिर्फ बीपीएससी का पेपर तो नहीं देता ना, मैं तो फिर यूपीएससी का भी लिखता हूं, मैं तो एसएससी का भी लिखता हूं, और सब में लगभग एक ही कहानी है। और एक और बात कि देखिए ये कहानी कोई सिर्फ 4 साल से है, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये सब होने लग गया, ऐसा नहीं है, ये पहले से होता आया है, कांग्रेस की सरकारों में भी यही हालत थी, बीजेपी की सरकारों में भी यही हालत है। दिक्कत ये है कि अभी की जो सरकार है इसने जॉब अपॉर्चुनिटी को और कम कर दिया है, दिन ब दिन आबादी बढ़ रही है देश की, युवाओं की आबादी तो डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही है देश में, लेकिन जहां अवसरों की संख्या बढ़नी चाहिए थी तो ये सरकार जो कर रही है वो हर जगह अवसरों की संख्या को कम कर रही है। आपको पता होगा यूपीएससी के एग्जाम में क्या होता है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में 2014 में लगभग 1350 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आया था, और अब जब 2018 में आया तो वो 782 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आया। इसका क्या तर्क है समझ ही नहीं आता, क्या तुक है समझ ही नहीं आता, आबादी बढ़ रही है, जिम्मेदारियां सिस्टम में बढ़ेंगी, डीएमएसपी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा क्या है कि साल दर साल जो जॉब्स की संख्या वो कम हो रही है। तो ये लगभग हर जगह सरकार यही काम कर रही है। आपको पता है कि 24 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज हैं सरकार में जो सैंक्शनड है लेकिन वैकेंट है, मैं सिर्फ सैंक्शनड बट वैकेंट पोस्ट की बात कर रहा हूँ।
मतलब ये वो पोस्ट है जिसके लिए सरकार को कोई बजटरी एलोकेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई कानून वानून बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विज्ञापन जारी करने की जरूरत है, नोटिफाई करने की जरूरत है और उस पर परीक्षा टाइम बाउंड ढंग से एक स्टिपुलेटेड टाइम में उसकी परीक्षा की जो पूरी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने की आवश्यकता है एक फेयर तरीके से। लेकिन ये 24 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, लाखों लाख स्टूडेंट्स सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, असुरक्षा के भाव से ग्रसित हैं, उनको पता नहीं भविष्य में क्या होगा उनका, लेकिन सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता। आपके पास पोस्ट खाली है और आपके पास उस पोस्ट को भरने के लिए आपके पास देश में युवाओं की कमी नहीं है, करना क्या है आपको? एक सिस्टम बेहतर बना के उन पोस्ट को भरना है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रायोरिटी सरकार की अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करना है ही नहीं, इस सरकार की प्राथमिकता में युवाओं को रोजगार देना है ही नहीं, सरकार की प्राथमिकता ही कुछ और है। सरकार की प्राथमिकता वो मुद्दे हैं जिनसे समाज को बांटा जाए किसी तरीके से, लोगों को लड़ाया जाए एक दूसरे के खिलाफ, और बाकी की जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी उसी में योगदान कर रही हैं। जो सत्ता में पार्टी है वो मुद्दे को उठाती है, विपक्ष की पार्टियां उस पर फिर लड़ाई झगड़ा करती है, और जो असल एजेंडा है इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है देश में? भारत जैसे देश में जहाँ की 65% आबादी अंडर 35 है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट देश का सबसे सीरियस इशू है। आप टीवी देखते होंगे और आजकल क्योंकि इलेक्शन ईयर आ रहा है तो लगभग सभी चैनल्स पे वो दिखाते हैं ना कि देश का नंबर एक मुद्दा क्या है, हमने जी सर्वे किया, सर्वे में पता चला कि फलाना मुद्दा नंबर वन है, उसके बाद नंबर टू है। आप हर सर्वे में देखते होंगे बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन ये देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो देश की सबसे बड़ी समस्या है उस पर सरकार उस पर काम करना दूर की बात है, उसको एक्नॉलेज तक नहीं कर रही, उसको मान तक नहीं रही है कि बेरोजगारी समस्या भी है। समाधान तो तब होगा ना कि पहले एक्नॉलेज कर ले, पहले मानने तक को तैयार नहीं है सरकार। तो अब मौका आ गया है कि इस सरकार को युवाओं की जो ताकत है उसका सही तरीके से इनको एहसास दिलाना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि कोई भी सरकार जो आज सत्ता में बैठी हुई है वो भारत के देश के युवाओं के समर्थन से ही बैठी हुई है, युवाओं के समर्थन से ही सरकार बनते और बिगड़ते हैं। और अगर पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है तो उस सरकार को कोई हक नहीं है पावर में रहने का जो युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती। तो आपसे बस एक क्लोजिंग नोट पे बस यही निवेदन है कि जो 2 नवंबर को युवा पंचायत कई शहरों में जिसका आयोजन किया जा रहा है उसका हिस्सा बने। आप अगर किसी शहर में नहीं है, किसी गाँव में है तो अपने गाँव में करिए, और आप संपर्क करिए युवा हल्ला बोल की टीम से। युवा हल्ला बोल का हेल्पलाइन है जो पेज पर बार बार बताया जा रहा है, उस पर संपर्क करिए, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, और जो आपको बैनर चाहिए, जो पोस्टर का डिज़ाइन चाहिए वो सब वहाँ से मंगवा सकते हैं, और आप अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने छोटे बड़े शहर जहाँ भी करना चाहें वहाँ पे अपने दोस्तों को इकट्ठा करें, इस पर बात करें, इस पर चर्चा करें, इस पर क्या समाधान है वो करें, और हमें बताएं कि आपकी बातचीत से क्या निष्कर्ष निकला है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता क्या हो सकता है, और उस पर हम सबको मिलजुल के लड़ने की जरूरत है। अब एक चीज तो बस भूल जाइए, एक चीज भूल जाइए कि आप अगर सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, सिर्फ SSC, सिर्फ UPSC, सिर्फ DSSSB, सिर्फ रेलवे, सिर्फ बैंकिंग, सिर्फ हरियाणा, सिर्फ महाराष्ट्र, सिर्फ बिहार, सिर्फ झारखंड करेंगे तो किसी को भी अपने अपने मांग पर कुछ भी सार्थक नहीं मिलने वाला है इस सरकार से। अब मौका है कि सब लोग एकजुट हो जाए, एक दूसरे का हाथ थामे, कमर कसे और इस सरकार को अपनी ताकत दिखा दे। ठीक है दोस्तों, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप 2 तारीख 2 नवंबर के युवा पंचायत में हिस्सा लेंगे, आप अपने पंचायत में जो कुछ भी बातचीत करते हैं, जो प्रस्ताव पास करते हैं, जो आगे का रास्ता तय करते हैं, उसको वीडियो के माध्यम से, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से उसको पहुंचाएंगे, हम तक पहुंचाएंगे और इस सरकार तक पहुंचाएंगे, और इसके आगे का भी काफ़ी कुछ हम कार्यक्रम तय कर रहे हैं, अब 2 नवंबर के बाद भी काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। तो आप में से जिन को इस बड़े आंदोलन का हिस्सा बनने की इच्छा हो या जिनको लगता है कि ये अवसर है कि अब इस पवित्र लड़ाई को आगे बढ़ चढ़ के लड़ने की ज़रूरत है, वो सब संपर्क करिए हमसे और मिलजुल के इस लड़ाई को लड़ते हैं। जय हिंद।